जानिए एक भोजपुरिया स्टार्स के स्टेज शो कराने में कितने पैसे लगते हैं, यानी कितने रुपए आपको पानी की तरह बहाने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको बता दें कि अगर आपने कभी भी सोचा है कि भोजपुरी कलाकारों का स्टेज शो करवाने के लिए, मान लीजिए आपने पवन सिंह का ही सोचा है, तो उसके लिए आपको तकरीबन 15 से 20 लाख रुपये खर्च आराम से करने होंगे। अब आप कहेंगे कि एक स्टेज शो करने का तो पवन सिंह सिर्फ 8 लाख लेते हैं, तो फिर 20 लाख कैसे हम बात कर रहे हैं? तो भाई हम ये बता दें कि पवन सिंह को तो सिर्फ आप बुलाएंगे और 2 से 3 घंटे उनसे गवाएंगे, लेकिन पवन सिंह के साथ जो उनका म्यूजिक डिपार्टमेंट आएगा उसका क्या, फिर उनके आजू बाजू डांस करने वाली एक्ट्रेसेस उनका क्या, उनको भी आपको मोटी रकम ही देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद अगर आप पवन सिंह को बुलाते हैं तो उन्हें अपने घर में तो ठहराएंगे नहीं, वहाँ के सबसे महंगे होटल में ही ठहराएंगे। भाई ठहरे पवन सिंह भोजपुरी के टॉप एक्टर, या फिर आप मान लीजिए खेसारी को ही बुलाते हैं, तो यही प्रतिक्रिया आपको खेसारी के लिए भी करनी पड़ेगी, यही प्रतिक्रिया आपको प्रदीप पांडे चिंटू और रितेश पांडे के लिए भी करनी पड़ेगी। यानी कि इस प्रतिक्रिया से गुजरकर आप किसी भी स्टार का स्टेज शो करवा सकते हैं। फिर आपको उनकी सुरक्षा के लिए चाक चौबंद बाउंसर रखने पड़ेंगे, जो कि आज डेफिनेटली आज की सबसे बड़ी नीड हो चुकी है। जी हाँ, पहले भोजपुरिया कलाकार बेझिझक कहीं भी स्टेज शो कर लेते थे और कई बार वो घायल हो जाते थे। इसका ताज़ा उदाहरण है जब अरविंद अकेला कल्लू 9 साल के थे तो उनके पैर में गोली लगी थी, तो और पिछले साल गोलू राजा को भी ऐसी ही वारदात का सामना पड़ा था। तो ऐसे में जो भोजपुरिया कलाकार हैं अब अपनी सेफ्टी पहले देखते हैं और उन्हें जहां भी स्टेज शो करने जाते हैं उन्हें अपने बाउंसर, या फिर आप उनके बाउंसरों का खर्चा नहीं उठा सकते, तो आपको खुद इतनी तगड़ी सिक्योरिटी करनी पड़ेगी कि उनके रहने से लेके उनके निकलने तक, यानी कि स्टेज शो ख़त्म होने तक, ये सुरक्षा इसी तरह से चाक चौबंद रहनी चाहिए। साथ ही साथ आपको जिला प्रशासन का प्रमाण पत्र भी चाहिए कि आप एक इस तरह का कार्यक्रम करवा रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि आप जब प्रमाण पत्र लेने जाएंगे तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, आपको वहाँ भी कुछ न कुछ देना पड़ेगा और भीड़ को संभालने के लिए एक्स्ट्रा बाउंसर या बॉडी गार्ड भी लगवाने पड़ेंगे। तो अब आप हमारी बात को समझ चुके होंगे, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।